करना चाहूँगा S4U Entertainment भोजपुरी का आज लॉन्च होने वाला है। संजय जी इनके संस्थापक हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में और केसारी भैया चीफ गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी को, इन्होंने ये म्यूजिक इंटरटेनमेंट चैनल S4U लॉन्च किया। इससे क्या होगा, भोजपुरी क्षेत्र में जो भी म्यूजिक एल्बम छोटे छोटे बनाने वाले हैं उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और केसारी जी आ रहे हैं, वेरी नाइस वेलकम। मैं राम सिंह राजपूत, एक्टर बॉलीवुड। अभी हमारी 3-4 फिल्म आने वाली हैं, जो एक तो वो 3 दिन उसने उसको तो बर्लिन में अवार्ड भी मिला, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला। दूसरी हमारी मूवी है कुतुब मीनार, उसको भी लंदन फेस्टिवल में अवार्ड मिला। और तीसरी हमारी फिल्म है पाताल पानी। तीनों फिल्म हमारी पोस्ट प्रोडक्शन कम्प्लीट हो चुकी है और ये कोविड का रुका हुआ है मामला। जैसे कोविड का थोड़ा सा ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ख़त्म हो जाएंगे, सब रिस्ट्रक्शन जो है, देन मेरे तीनों फिल्में रिलीज होंगी। उसके पहले मेरी फिल्म है गांधी और हंसा एक संयोग, तो मैंने अभी तक 5-6 फिल्में की हैं और आप लोग देखें उसको। तो कब से इस क्षेत्र में आप, और पहला प्रोजेक्ट कौन सा किया था, और जो किरदार निभा रहे हैं इन सब फिल्मों में किस तरह का किरदार है वो कर रही है? देखिए क्या, इसमें सब डिफरेंट डिफरेंट किरदार हैं। हंसा में मैं इंस्पेक्टर में था और कुतुब मीनार में मैं मेन विलेन था और पाताल पानी में एक मैं ऑफिसर के रोल में हूँ, रेलवे ऑफिसर के रोल में। और वो 3 दिन जिसमें संजय मिश्रा जी, राजीव शर्मा जी सारे लोग थे, उसमें मार्केट के सारे अच्छे कलाकार, उसमें मेरा हवलदार का करेक्टर है। अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी है, आप लोग जरूर देखिए। और उसके अलावा अभी हमारी 2 वेब सीरीज हैं ऑन शूट है और 2 फिल्में मेरी फिर से हैं नवंबर में, वो प्री प्रोडक्शन हो चुका है, बस हम लोग जल्दी उस पर शूट पर निकलेंगे। तो कैसे आना हुआ इस क्षेत्र में, आपका कोई बैकग्राउंड जो है अभिनय का उसका बताइए, कैसे आया है, क्या संघर्ष हुआ आपका यहाँ पे? बैकग्राउंड तो मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है उस लाइन में। एक हॉबी मेरे अंदर जो हमारी इच्छा थी, अंदर से एक मन कहता था कि मैं एक्टिंग के क्षेत्र में जाऊँ और बचपन से ही मुझे एक्टिंग का शौक था। मैं अपने क्षेत्र में बेसिकली मैं इलाहाबाद के पास का रहने वाला और बचपन से ही हम लोग वहाँ ऑर्केस्ट्रा स्टेज शो ये सब करते आए, तो बड़ी रुचि रही इस लाइन में। और आप जानते हैं कि जब किसी को एक बार एक्टिंग में रुचि आ जाती है वो चाहता है कि मैं बड़ा मुकाम हासिल करूँ, बस उसी उम्मीद से मैं भी बॉम्बे आया, देखिए आगे क्या होता है। तो किसे आदर्श मानते हैं आप, कौन सा अभिनेता है जिसके अभिनय से आदर्श मानते हैं आप? आदर्श तो भैया हमारे अमिताभ बच्चन जी है वो सभी के आदर्श हैं, मेरे भी अमिताभ बच्चन जी आदर्श हैं। कल मुझे एक डाक क्लब में एक 24 हाइट करके कंपनी है और इंडियन सीनियर फिल्म, इन लोगों ने कल एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था कर्मवीर, बढ़िया सर। हाँ, तो कर्मवीर में कल मुझे एक अवार्ड दिया गया अभिनय क्षेत्र में बेस्ट एक्टिंग के लिए, हम लोग भी वहीं थे सर, उसमें मुझे अवार्ड मिला। उसमें कल बहुत सारे लोगों को और भी अवार्ड मिला, तो बस प्रयासरत हूँ और इस पर चाहेगा तो जल्दी एक अच्छा मुकाम हासिल कर लूँ। थैंक सर। संजय जी ने जो आज स्थापित किया है S4U एंटरटेनमेंट भोजपुरी का, क्या कहना चाहेंगे आप, किसानी भैया को इनवाइट किया चीफ गेस्ट के तौर पर? आज भी बहुत अच्छा पल है और भोजपुरी में एक और बड़ा चल रहा है S4U एंटरटेनमेंट जो संजय जी खोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है और इसके टिकट किसानी के जो ही पहुँचने वाले हैं, ये हमारे भोजपुरी के लिए एक और बढ़िया प्लेटफॉर्म रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। संजय भैया राजनीति और समाज सेवा में भी काफ़ी सफल हुए हैं, उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? संजय भैया वहाँ भी सफल हुए और यहाँ भी सफल होंगे और सफल हैं और सफल यहाँ भी रहेंगे। उनके व्यक्तित्व की खास बात क्या नज़र आती है आपको? बहुत ही पोलाइट आदमी, बहुत ही जमीन वाला आदमी, मतलब दो बार विधायक रूप, इतना शांत स्वभाव, इतने मिलनसार, हम उनको लगभग 4 या 5 साल जान रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी दुख की बात है, मैं इसी जगह पर उनसे मिलने आया था, कभी उनको किराए पर लिए थे
आज उनका खुद का हो गया, उनकी खुद की ऑफिस हो गई, उनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और वेबसाइट जीवन में क्या चल रहा है आपके, क्या कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी भैया नौकरी में बन के रेडी है, लॉकडाउन की वजह सब लोग खाली इंतजार कर रहे हैं, अब अक्टूबर से स्टार्ट करने की फिल्म में है लोग। बाकी मैं 3 फिल्म नया कर रहा हूँ, उसका आज ही अनाउंस हुआ है। अगर बता सके तो बताइए 9 फीचर में हीरो कौन कौन से? सब भाई 4 में तो मेरा रवि किशन है, बाकी मेरी सोलो है। सर आजकल सिंगिंग कर चालू करते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ सारे गाँव से कॉन्टेक्ट लिया हूँ भैया, कर रहा हूँ, गाना भी जरूरी है ना, हीरो गाना बहुत जरूरी है। नहीं ऐसा तो नहीं किसी को कंपटीशन देना है? नहीं नहीं मेरा किसी कोई कंपटीशन नहीं है। भोजपुरी में पहले सिंगर होते हैं बाद में एक्टर होते हैं, आप पहले एक्टर थे बाद में सिंगर हुए? नहीं मेरा किसी को कोई कंपटीशन नहीं, और ये सिंगर मैं सिंगिंग में करता हूँ तो सबसे करता हूँ, मेरी बहुत आ चुकी है, बस ऐसे ही चल रहा है। आजकल रील पर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं है कि व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे रील चल रहा है आपका? हाँ थोड़ा फॉलो बढ़ा चक्कर में फॉलो बढ़ जाने के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है भैया। फॉर यू जो कि हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं संजय जी, और बहुत ही अच्छे और सीनियर एक्टर हैं, आज उन्होंने एक चैनल जो कि यस फॉर यू एंटरटेनमेंट एक चैनल का आज शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं उन्हें अपने तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूँ उस चैनल को कि बहुत बड़ा चैनल बने, आने वाले समय में हम भी उस चैनल के लिए काम करें। सर केसरी जी लॉन्च करें, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, वो एक हमारी इंडस्ट्री के स्टार हैं और खेसारी जी हमारे सीनियर भाई हैं हमारे सिनेमा के, और बिल्कुल उसकी ओपनिंग कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, तो बहुत बहुत खुशी की बात है भाई। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो मैं चाहूँगा इस चैनल को भी ट्रेंडिंग बना के रखूँ। अब इससे आप बताइए लिट्टी चोखा खाए हैं कि नहीं अभी? अरे बताइए खाने दे। हाँ लिट्टी चोखा बहुत खाए हैं, बिहार में भी खाए हैं, बॉम्बे में भी खाता हूँ लिट्टी चोखा। पिछले हफ्ते रिलीज हुआ है लिट्टी चोखा, दम जबरदस्त चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लिट्टी चोखा कहाँ पर जबरदस्त चल रहा है, मतलब लोकेशन तो सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया पर। अच्छा, फिल्म तो अभी रिलीज नहीं हुई ना? हो चुकी है, एक हफ्ता हो गया। अच्छा ओके, तो लिट्टी चोखा तो मैंने बहुत खाया है पर लिट्टी चोखा अभी मैंने देखा नहीं है, और फिल्म अच्छी चल रही है उसके लिए बहुत सारी बधाई। गेस फॉर यू के लिए, गेस फॉर यू के लिए यही बोलूँगा, बहुत सारे चैनल्स आगे हैं, आप सब भी चैनल वाले हैं, आप सबका भी चैनल अच्छा चले, हिट हो, बहुत अच्छा चले। और संजय भैया, संजय यादव जी बड़े अच्छे नेता भी रहे हैं, बड़े अच्छे कलाकार भी हैं, इन्होंने भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में की है, हिंदी भी किया है, उनको बहुत सारी बधाई। और एस फॉर यू जैसे बी फॉर यू है। अमरीश जी आपकी और क्या कमिंग अप प्रोजेक्ट है? हाँ अपकमिंग अभी जस्ट फर्स्ट लुक नवरात्रि के पहले दिन जय माँ बिंदुवासिनी, जल्दी एक बड़े चैनल पे और बड़े सेटेलाइट पे सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। साथ ही साथ मैंने एक और फिल्म की है जो कि बहुत अच्छी है और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे के भैया भी हैं साथ में, लगभग हर फिल्मों में होते हैं, तो राजमहल, क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म है, उसमें अमरपाली और हमने और पीके भैया ने काफ़ी अच्छे किरदार निभाए हैं, तो आने वाले और भी बहुत सारी फिल्में हैं और सिनेमा का एक अच्छी शुरुआत हुई है जी। जय माँ बिंदुवासिनी बिल्कुल आ रही है और जल्दी ट्रेलर और सिनेमा भी आप लोगों के बीच में दिखेगा, जिसमें केके भैया हम दोनों उसमें भी हैं, और माँ की असीम कृपा है जो कि मज़ा आया था सिनेमा करके और दर्शकों को देख के भी अच्छा। अमरीश जी की और मेरी लगभग 10 फिल्में आने वाली है एक साथ, बिल्कुल बिल्कुल बैक टू बैक काफ़ी फिल्में आने वाली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए? नमस्कार, आप लोग चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले संजय भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, म्यूजिक कंपनी लॉन्च किए हैं और ये प्रोडक्शन का भी चालू, फिल्म स्टूडियो भी इनमें सब चालू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा हम लोग भी, अच्छा अच्छा गाना सब चीज़ बहुत बुरी बड़ा होता है। चीफ गेस्ट में कैसा अरे वो तो जिंदगी तार भैया पार्टी आएँगे, अच्छा है। सर आप क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं अपने मित्र संजय यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ एस फोर एंटरटेनमेंट के लिए, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद उनके साथ है, और मेरे प्रिय मित्र हैं वो, और मैं आरएस हूँ और मेरे पड़ोसी हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।
सर आप कुछ? नमस्कार, हम भोजपुरी गायक अभिषेक पांडे बोल रहे हैं और बहुत मतलब खुशी के बात बात की संजय भैया के ओपनिंग भइल बा स्टोरी में और बहुत अच्छा अच्छा हमने काम करे के सब जितना भोजपुरी कलाकार बा सब मिल के काम करी हर एक लेवल के काम करी यही महादेव से शुभकामना बा विनती बा। मित्रों, मेरे प्यारे भोजपुरी मित्रों, भाइयों बहनों, एस फॉर यू आपके लिए एक चैनल आ गया एंटरटेनमेंट से भरा भोजपुरी खुशबू का, ऐसा चैनल जिसमें आपको भोजपुरी की अलग अलग वैरायटी मिलेगी और हमारे पार्टी का संपूर्ण समर्थन के साथ एस फॉर यू जस्ट फॉर यू आप अपने परिवार के साथ इसे देखते रहिए। मित्रों मित्रों, अब हंसने का टाइम आ गया है, एंटरटेन होने का टाइम आ गया है। मैं भी इनके साथ में हूँ, मेरी पार्टी भी इनके साथ में है, हमारा पूरा समर्थन इनके साथ में है। मुझे लगता है आपका भी समर्थन एस फॉर यू को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। धन्यवाद सर के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुंबई रहिए, इलाहाबाद रहिए। सर के साड़ी जी के हाथों जो है आज लॉन्चिंग किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे और कितनी खुशी हो रही है? इतनी बहुत खुशी की बात है कि खेसारी लाल जो है, खेसारी लाल जी जो है वो भोजपुरी की नंबर वन स्टार है और उनके हाथ से अगर इनॉग्रेशन हो रहा है तो मतलब शुरुआत ही नंबर वन से हो रही है तो फिर आगे क्या है कमाल होगा आपको तो समझ में आ ही गया होगा। जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी है तो ये एस फॉर यू नहीं, ये 4G और 5G से भी आगे स्पीड हो जाएगा 6G। थैंक यू सर। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा नाम राम सुजान सिंह है, एक्टर हूँ। एस फॉर यू चैनल आज ही लॉन्च हो रहा है और सुनने में आया कि सुपरस्टार खेसारी लाल जी के हाथों ओपनिंग हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने संजय यादव जी को, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी दर्शक लोग मिल करके इसको उस ऊंचाई पर ले जाएं जहाँ भोजपुरी जाना चाहता है। और भी चैनल के लिए मेरे तरफ से एस फिल्म को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। शुरुआत में जानना चाहूँगा ये जो संजय जी ने बोला ये एक्सपोर्ट एंड न्यू एंटरटेनमेंट, क्या करना चाहेंगे, शुभकामना कैसे देना चाहेंगे और आपके बारे में भी बताइए, आपका भी प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ और ये आज बहुत खुशी की बात है। सॉरी, संजय जी ने एस फॉर यू ये म्यूजिक लॉन्च किया है तो हमारे गाँव के हैं, हमारे तरफ के हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो ये सबसे अच्छी बात लगती है। एक सिंगर के लिए कंपनी 2, 4, 5, 10 खुले, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं मेरे प्रोजेक्ट अभी इसी कंपनी से छठ पूजा के लिए, मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गाना चाहती हूँ तो मेरा गाना है छठ पूजा का, आ रहा है इनकी कंपनी से। चीफ गेस्ट में खेसारी लाल जी, क्या अरे वाह, खेसारी लाल जी बेस्ट फ्रेंड है हमारे, सभी लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। बहुत खुशी की बात है कि वो आ रहे हैं हम सबके बीच और इतने बड़े कंपनी का उद्घाटन करने वाले हैं। ये सो नहीं, वर्षा जी थोड़ा सा गुनगुनाएं अपने जो अच्छे गाने हैं आपके इस साल के। सबसे पहले इंडस्ट्री में जो मेरा पहला फिल्म था, मैं उसी का एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगी। प्यार की कसम पहले जितने भी यहाँ पे हमारे दर्शक हैं और हमें देख रहे सुन रहे हैं, सबको बता दूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चैनल तो बहुत है लेकिन आज हमारे संजय यादव जी ने जो दिल और लगन से अपनी जो कंपनी जो एस फॉर यू एंटरटेनमेंट स्टार्ट कर रहा है, इसे भोजपुरी के लिए
ये बहुत बड़ा एक योगदान होगा और जितने भी कलाकार हैं उनके लिए एक बड़ा सम्मंच मिलेगा। तो हम यही चाहें कि जितने भी हमारे प्रिय दर्शक हैं, जितने श्रोतागण हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे हम ये उम्मीद करेंगे, आशीर्वाद दें कि चैनल फले फूले। मैम आप बताइए, बच्चे की जरूरत बताइए इस कैंप के बारे में और संजय के बारे में। मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ यहाँ पे और बात हुई थी मेरी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया और बोला कि अभी हम लोग नई कोशिश कर रहे हैं नए चैनल के थ्रू। तो इससे क्या ना कि हम जैसे न्यू कमर्स हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है ये, बहुत ही बिग कदम है इनके लिए कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि हम जैसे जितने भी न्यू कमर्स होंगे उनको चार काम ज़्यादा मिलेगा, हम लोग जानेंगे और बहुत थैंक्स मैं यहाँ पे हूँ और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। नाम तो बता दीजिए। हाँ मैं खुशी झा जी, मैं गोपाल सिंह गायक अभिनेता हूँ। ये हमारी सहपाठी हैं, बहुत ही अच्छी सिंगर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। हम चाहेंगे कि आज हमारी इंडस्ट्री में हर हीरोइन भी अक्सर देखते हैं गाने लगती है। डी एन इंडस्ट्री ही ऐसा है कि हर अभिनेता को भी गायक बना देता है। सिंगर हैं आप? नहीं, अच्छा मैं सिंगर हूँ ना, उधर नहीं, इधर से ही मैं सिंगर हूँ। बात बरसा जी, हाँ नहीं एक्टर नहीं, सिंगर नहीं, आज का सिंगर एक्टर, क्योंकि वीडियो में तो एक्ट्रेस करना पड़ता है ना आपको। जी जी, प्रोफेशनली सिंगर भी। थैंक यू सर, थैंक यू। ये अपने देखिए, खुशी की बात है कि संजय जी जो खुद एक बहुत ज़बरदस्त निर्माता भी रहे हैं, अभिनेता भी रहे हैं और राजनीति में भी एक बहुत ऊंचाई उन्होंने पाई, लेकिन जो बुनियाद है जिस चीज़ से उन्होंने ज़िंदगी शुरू की थी उसको वो नहीं भूले हैं। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं, पूरे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ये कंपनी शुरू करके उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी भी निभाई है और एक नौजवानों के लिए, नई पीढ़ी के लिए, तमाम कलाकार लोगों के लिए एक नया रास्ता खोला है। मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है कि वो इस काम में सफल हों और हम लोग और तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस नौजवान जो एक सपना देख के इतनी बड़ी कंपनी शुरू की है उसमें योगदान दे सके। ये भी कहना चाहूँगा कि इनका जो मेन उद्देश्य है कि परिवार पूरा देखे फिल्म को, ऐसा प्रोजेक्ट बनाए या ऐसा म्यूजिक को, तो क्या कहना चाहिए उस चीज़ के बारे में? जी मैं तो शायद आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं, मैं तो वो इंसान हूँ जिसकी फिल्में परिवार ही देखती थी, चाहे वो गंगा किनारे मोरा गांव हो, दूल्हा गंगा भाग में धरती मेला। आज के दौर में हम ज़रूर भटक गए और किसी भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के दर्शक अगर हमारी घर की माँ बहनें नहीं हैं तो उस क्षेत्रीय भाषा की वो कभी ऊंचाई नहीं पा सकते। और संजय बाबू का ये प्रयास, जो वक्त की ज़रूरत है, आज हमारी माँ बहनें तरस रही हैं उसी तरह की फिल्में देखने के लिए, तो ये इनका प्रयास सफल होगा और हम लोगों को खुशी होगी कि उसमें एक सिपाही बन के हम लोग भी कोई योगदान। संजय जी कितनी खुशी की बात है, भोजपुरी के मिल के पत्थर बोले जाते हैं और केसारी जी आज ट्रेंडिंग स्टार है, आपको दोनों का सपोर्ट मिल रहा है, दोनों का प्यार मिल रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ा बात यह है कि जब मैं पहली बार मुंबई आया था मूवी बनाने, प्रतिज्ञा पार्ट टू बनाया था, इस प्रतिज्ञा पार्ट टू का भी हमारा हिस्सा मेरे बड़े भाई रहे हैं आशीर्वाद, उन्होंने उस समय भी दिया था। आज जो मैं म्यूजिक चैनल अपना जो भोजपुरी यूट्यूब का मैं जो है स्टार्टिंग कर रहा हूँ, उस समय भी हमारे खेसारी लाल यादव जी हमारे साथ खड़े थे और आज भी हमारे बड़े भाई अपना आशीर्वाद देने यहाँ पे आए हैं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने बड़े भाई और भोजपुरी के महान नायक कुणाल भैया को। जो उन्होंने खेसारी जी के बारे में क्या कहेंगे, खेसारी जी लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे सर? खेसारी जी के बारे में सर लॉन्च करें अपने हाथों से। खेसारी जी आज के दौर के मील के पत्थर हैं, हर वक्त का एक शहनशाह होता है। जब से भोजपुरी इंडस्ट्री शुरू हुई है एक एक दौर के एक शहनशाह रहे हैं और आज हमारे खेसारी हैं। वो तो मुझे प्यार से बाबूजी कहते हैं, मैं भी उन्हें बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। बड़ा मेहनती लड़का है और ईश्वर उसको सफलता दें। हाँ ज़रूर पारिवारिक फिल्मों में काम करें ताकि अश्लीलता का मुहर न लगे उसके भविष्य पर, उसकी ज़िंदगी पर। यही संदेश था। थैंक यू सर।
ठीक है सर, रोल सर ये दो कैमरे कॉल देंगे सर। आज आपस में चैनल का लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये संजय बाबू म्यूजिक चैनल शुरू कर रहे हैं जिसमें क्षेत्रीय भाषा की फिल्में, और मुझे विश्वास है कि जो हमारी पहचान है, जो हमारी रीति रिवाज है, और ऐसे कई अनमोल सितारे जिनको जगह नहीं मिलता, जिनको आसमान में उड़ने का पंख नहीं मिलता है, वैसे लोगों के लिए संजय बाबू का ये चैनल बहुत मददगार साबित होगा। वैसे कलाकार जो कहीं छिपे हुए हैं, जो आर्थिक मजबूरी, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते जो आसमान पे नहीं आ पाते, वैसे लोगों को ये बढ़ाने का काम करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद। सर आपको कितना सपोर्ट मिला सरकार? बिल्कुल, अभी तक मैं जब से मुंबई आया तब से सपोर्ट मुझे मिलता है, बड़े भाई का आशीर्वाद मिलता है। और उन्होंने जब मैं स्टार्ट करा था दिन से, मैंने राय भी लिया था, उन्होंने बहुत अच्छा राय दिया और बोले कि संजय जी आप सेवा के भाव से भी आप पॉलिटिक्स करते हैं, नेतागिरी करते हैं, इस भाव से भी आप इस लाइन में आ रहे हैं। जिसके पास प्रतिभा है, उस कलाकार के पास अभी बोले संसाधन नहीं है, तो ऐसे कलाकारों का भी मैं सम्मान करूँगा, इस मंच दूंगा, इस पर यूट्यूब चैनल भोजपुरी का। तो मैं इसी व्यू से मैं आया, फिर से मैं आया हूँ, एक दूसरी पारी के मैं तैयारी चल रहा हूँ, और बड़े भाई का आशीर्वाद मुझे मिला दिल से। खेसारी जी आज उनके हाथों से लॉन्च हो रहे हैं। हाँ आज बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं, उनके हाथों से ही लॉन्च होना चाहिए। एक तो वो हम लोग के परिवार का बच्चा है, मेहनती है, और आज बहुत बड़ा सितारा है, और उस सितारा बनने के पीछे उस बच्चे की मेहनत है, और हम तमाम भोजपुरी समाज उनके नाज करता है। तो इससे खुशी की और क्या बात होगी कि उनके हाथों से लॉन्च हो, ये शुभ काम उसके ही हाथों से होना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आपने एक शब्द बोला कि सारी लाल के हाथों से हो रहा है, स्वाभाविक है कि आज हिंदी का ट्रेडिंग हो या हिंदुस्तान का ट्रेडिंग जब होता है तो खेसारी जी ट्रेडिंग बन के तो आते ही, चाहे वो भोजपुरी हमारा जो क्षेत्रीय भाषा का जो है। और आज जो लॉन्चिंग है हमारा, हमारे ये गार्जियन है, बड़े भाई हैं, जो आशीर्वाद तो हमें मिलता है, और खेसारी जी वो ट्रेडिंग स्टार हैं जो उनके हाथ से मैं अपने इस पूरी भोजपुरी का मैं स्टार्ट कर पा रहा हूँ। तो राय हमारे गार्जियन का ही रहा है, हमारे कुणाल भैया का ही रहा है कि सबसे बेटर रहेगा कि इस चैनल का ओपनिंग खेसारी लाल यादव जी के हाथ से कराइए, और उन्होंने ये राय दिया मुझे कि म्यूजिक चैनल खोलना भी चाहिए। तो खेसारी जी का भी काफ़ी सहयोग रहा है इस कंपनी को कराने। एस्पोरियो एंटरटेनमेंट का आज लॉन्च है, संजय जी ने कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे संजय जी के बारे में और एस्पोरियो एंटरटेनमेंट के बारे में? यही कि ये बहुत डायनेमिक है और हमारे इंडस्ट्री के एक ऐसे इकलौते एक्टर, पॉलिटिक्स में तो खैर बाद में गए और वहाँ गए, वहाँ पर भी बहुत सक्रिय रहे हैं, एक टर्म विधायक रहे हैं, और ईश्वर चाहेंगे तो आगे फिर से जीत के आएंगे, फिर से बहुत बड़ा काम होगा, इनका नाम होगा और इसमें भी बहुत बड़ा नाम करने वाले हैं। और चूंकि सिनेमा से जुड़े हुए हैं तो सिनेमा परिवार के मेंबर हैं, हम लोगों के बहुत करीबी हैं, छोटे भाई हैं मेरे। जिस दिन मुझे लग रहा है बन रहा था, उस दिन ने मुझे बुलाया, मैं आके गया हूँ ऑफिस में, बहुत खूबसूरत बनाया है, और जिस तरह से उन्होंने चैनल की शुरुआत की है और प्रोडक्शन हाउस जो शुरू किया है जस्ट पूरी, ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा पहल है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में जाने के बाद भी सिनेमा प्रेम इनको जो है वो खींच के लेकर आता रहता है बार बार, और इस परिवार में दोबारा आके अगर एक लेवल पर काम कर रहे हैं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं। और दो बातें संजय भाई ने कही कि एक तो पारिवारिक जो होता है लोग वो देख सकेंगे पूरे परिवार के साथ, ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि सब ना देख सके, और दूसरी बात नए लोगों को मौका देना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एस्टैब्लिश आदमी जो है उसको मौका देंगे, क्या कहना चाहेंगे उसको? ये तो अच्छी बात है, ये तो मुझे लग रहा है जब तक नए लोग नहीं आएंगे तब तक वो एक जो चयन ऐसा चलता है ना किसी भी चीज़ों का, कोई भी इंडस्ट्री हो या कहीं पर हो, जब देखिए जो लोग अपनी जगह आके एक जगह ठहरते हैं, जैसे साइकिल का चयन होता है, तो साइकिल का चयन कैसे चलता है, नीचे से ऐसे आता है, एक पॉइंट पर ऊपर आता है, उसके बाद नीचे हो जाता है वो चयन, तो नीचे से जो आ रहा है उसको आप नया कह सकते हैं, तो वो आएगा वो भी अपनी जगह तो लेगा ना, तो जो एक जगह पर है वो तब तक ये तो प्रकृति है, और प्रकृति को तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया उद्देश्य, इससे बढ़िया मैसेज और क्या हो सकता है,
कि जिसके अंदर आप नए लोगों को लेकर आ रहे हैं, मार्केट के स्टार्टअप लोग हैं उनके साथ कंटेंट बना रहे हैं और परिवार के लिए देखने के लायक बना रहे हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। वैसे भी इस वक्त भोजपुरी सिनेमा जो है बहुत अलग दिशा में चल पड़ा है। विवाह फिल्म के आने के बाद से लोग पूरी तरह टूट पड़े हैं, प्रदीप जी प्रोड्यूसर थे उसके विवाह के, तो उसके बाद से लोग टूट पड़े हैं कि किस तरह से फैमिली और परिवार को कैसे सिनेमा हॉल तक कराया जाए जो बीच में मिस हो चुके थे। प्रदीप जी, आपके हमसे इस पहल को लेकर ये चैनल के बारे में बताइए और संजय जी बताइए। संजय जी मेरे बहुत करीबी मित्रों में से एक हैं और मित्र के अलावा इंसान बहुत अच्छे हैं। इन्होंने जो चैनल खोला है बहुत अच्छा है, पारिवारिक इसके साथ जो चला रहे हैं तो अच्छी बात है। और हम लोग जो फिल्म लाइन में जुड़े हैं, विधायक भी रहे हैं, इसके पहले काम भी किया है और मेरे पिक्चर अभी हम लोग शूट कर दिया है loveyouare.com में, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी जो इलेक्शन आ रहे हैं तो पूरी उम्मीद है कि वो इलेक्शन में जीत के आएंगे। इसके पहले भी उन्होंने अपने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि पब्लिक जो उधर के लोग हैं, यहाँ के विधायक हैं, लोगों के इतने फोन आते हैं, हम लोग साथ में रहते हैं और क्षेत्र में जितना अच्छा काम किया है तो वापस आएंगे, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक जो भोजपुरी सिनेमा से जितना लगाव रखते हैं उतना वहाँ भी रखते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छी बातें हैं कि जो भी हमारे वो कोई कमियां ये होंगी हमको सपोर्ट करेंगे, वापस आए जीत को तो हम लोग भी चाहते हैं जीतें और बहुत अच्छी बात है। और इस चैनल खोलने के लिए आगे पिक्चरें भी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मण जी ये भी कहना हुआ कि अभी भी थिएटर खुले नहीं हैं लेकिन 22 से खुलने वाले हैं, अभी लिट्टी चौपाई की बहुत बम्पर बिजनेस कर दी है, तो कितना एक पॉजिटिव स्टेप लग रहा है कि आप थिएटर में जा रहे हैं लोग और बहुत भीड़ भड़के के साथ फिल्म देख रहे हैं। ये जैसे अभी फिल्म मतलब अभी बॉम्बे का 24 से खुलने वाला है, बाकी जगह का तो खुल चुका है और सेकेंड लॉकडाउन के बाद कमांडो अर्जुन पिक्चर आई थी, दर्शकों का बहुत बड़ा उफान उस टाइम से दिखा कमांडो अर्जुन से, और मुझे लगता है कि उसके बाद जो भी फिल्में आती जा रही हैं उन फिल्मों को भी दर्शकों का प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है। इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है कि लोग जो है जितनी भी फिल्में आए, अच्छी फिल्में हों, जितनी कलाकार की हों, उनको लोग देखें। सिनेमा भरना ज़रूरी है, जब तक सिनेमा हॉल में पब्लिक को देखो क्या होता है, मोबाइल पर कितने दिन तक फिल्में देखेंगे, मोबाइल पर देखना सिनेमा हॉल के अंदर देखना दोनों में बहुत फर्क है। जैसे विदेश की अगर बातें करें तो हमसे पहले इलेक्ट्रॉनिक उनका अपग्रेड रहा है, लेकिन आज उनकी फिल्में फिर से लोग थिएटर में देख ही रहे हैं, तो एक ऐसा समय आएगा सिनेमा हॉल फिर से बहुत बड़ा होगा। और जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है कि फिर से इंडस्ट्री जो है वो बहुत अलग लेवल पर होगी और ख़ासतौर से सिनेमा हॉल में बहुत अलग। संजय जी आप बताइए क्या करना चाहेंगे, जो पहल है उसका तारीफ़ कर रहे हैं अभी सर ने तारीफ़ की, क्या करना चाहेंगे आपने पहल को लेकर, आप इतना सपोर्ट मिल रहा है आपको? पहले सपोर्ट तो सब लोग का आशीर्वाद से नहीं मिल ही रहा है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा और आप सब भी हैं सपोर्ट करने के लिए, कोशिश एक अच्छा कर रहा हूँ कि अभी आप मैं पहले भी बोला जिसके अंदर प्रतिभा है उसके लिए मंच भी बना रहा हूँ, बाकी सब तो हमारे लिए सब प्यारे हैं, जिनसे मैं सबको मानता हूँ, जिनसे प्यार करता हूँ, एक अच्छी कोशिश कर रहा हूँ बाकी आगे, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे सब आपको पता चलेगा, स्टेप बाई स्टेप मैं चल रहा हूँ। अभी मेरा पहला स्टेप है कि मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, दूसरा स्टेप में मुझे कुछ और दिखाई देगा आपको, फिर मेरा प्रोडक्शन हाउस भी आपको दिखाई देगा। आपने जो क्वेश्चन किया पारिवारिक फिल्म भोजपुरी में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी बनती है फिल्म पारिवारिक फिल्म ही बनती है, थोड़ा भाषा हम लोग का जो है कुछ मिठास ज़्यादा होता है उसमें, तो उसको लोग थोड़ा सा अलग व्यू में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, सभी मेकर हैं हमारे, प्रदीप भी आए हैं, रत्नाजय जो भी हैं, सब लोग अच्छी फिल्म बनाने के लिए आते हैं, सब लोग अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं और अच्छी फिल्म बनती भी है। और पारिवारिक पिक्चर बनने अभी तक जितने भी पिक्चर बने हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, जो मैं अपने आप को जहाँ तक भोजपुरी में अपने आप को सबसे आगे रखता हूँ, और मैं दिल से बोलता हूँ भोजपुरी के लिए मैं जीता हूँ, मेरे अंदर भी भोजपुरी है, जिससे मेरा ब्लड चलता है उसने मैं भोजपुरी को भी मेरे अंदर चलता है, तो भोजपुरी अच्छी फिल्म बनती है तो ही समाज में चल रही है, ये इंडस्ट्री मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। तो सर आपकी क्या पेशकश आगे, कोई ऐसी पेशकश जिसको लेकर बहुत उत्साहित हैं, आपकी तरफ से क्या मिलने वाला है दर्शकों को देखने को, कौन सा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए। मेरी बात कर रहे हैं, मेरी फिल्म अभी आएगी जिसका नाम है ससुरा बड़ा सतावे और इश्क, मैंने मतलब एक दो साल के बाद फिल्में डायरेक्ट की हैं, क्योंकि बीच में बहुत पैंडमिक सा सिचुएशन था, तो मैंने सोचा मैंने एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस की थी
लैला मजनू जो बहुत अच्छी रही, लॉकडाउन पहले लॉकडाउन के पहले फिल्म रिलीज हुई थी, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दर्शकों का रहा और बहुत प्यार दिया लोगों ने। बट दो सालों से मैंने कोई फिल्म बनाई नहीं थी, डायरेक्ट नहीं की थी, अब फिर से लेकर आओ। बहुत बड़े कैनवास की फिल्में हैं जिसका नाम है ससुरा बड़ा सतावेला, जल्दी उसका ट्रेलर भी आएगा और दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा फिर से वही जलवा, वही परिपक्व सिनेमा जिस तरह से पहले राजकुमार पांडे वाला फिल्म और फ्लेवर वाली फिल्में जो आती रही हैं, जैसे बहुत फिल्में पचासों पिक्चरें मैंने डायरेक्ट की और लगभग फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं, चार पांच सिल्वर जुबली पिक्चरें मेरे खाते में रही हैं, तो वो कलर दर्शकों को फिर से मिलेगा मेरे डायरेक्शन में। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप and never miss another update.